जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हम गृहस्थ में रहकर कैसे नाम जप करें, कैसे भक्ति करें और क्या हमें मुक्ति मिल सकती है गृहस्थी में रह के। तो प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, जितने भी आश्रम हैं उन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम बढ़िया बताया गया है, यानी कि सर्वोत्तम आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा है ये। क्यों ये बड़ा है आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। देखिए, आप गृहस्थ में हो और एक सन्यासी है, आप गृहस्थ में रह के आपको अपने लिए सारे कार्य स्वयं करने हैं, यानी आपको खाने का इंतजाम करना है, पहनने का करना है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, तो आपको किसी को कुछ देना नहीं, आप स्वयं सारे कार्य कर रहे हो। लेकिन इसके विपरीत जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, भजन तो करते हैं, वो हो सकता है आपसे ज़्यादा भजन करते होंगे वो, लेकिन वो अपने जैसे कपड़ों के लिए, अपने और कामों के लिए, कहीं आना जाना है उसके लिए वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जिनसे उनको ये सामान मिलता है तो उनके लिए भी उनको भजन करना होता है, यानी अपने भजन में से उनको भी देना होता है। तो वो आपसे फिर आपका उनका 100% का भजन किया और आपका 10% का बराबर फल है, 100% के बराबर आपको लाभ मिलेगा अगर आपने 10% भी भजन कर लिया तो। और आपका भजन तो वैसे भी हो रहा है, जैसे गृहस्थ में रहकर आप अगर भगवान का नाम भी नहीं जपते हो तो आप अगर अपने माता पिता की सेवा करते हो तो सेवा भी भगवान का भजन ही है। आप एक साधन को अपना लो, आप जिंदगी भर सेवा को अपना लो, आपका भजन अपने आप, और आपको भजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिंदगी भर सत्य बोलने का व्रत धारण कर लो, ये भी एक भजन है। इन सब से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, आपकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन आपको अपनाना आजीवन पड़ेगा। ये नहीं है एक दिन सेवा कर दी अगले दिन गाली देने लगे, एक दिन सच बोल दिया प्रतिदिन झूठ बोलते हो, ऐसे नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं, कृष्ण भगवान ने भी स्वयं कर्म के ऊपर इतना जोर दिया है। भगवान कहते हैं मेरा भजन करने के लिए तुम्हें खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा भजन करो और अब खाली बैठ के भजन करो। भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म के साथ मेरा भजन करो। कर्म यानी कि गृहस्थ आश्रम। भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो मुझे याद करने के लिए। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को याद करता है, उसका नाम जप करता है, ऐसे मनुष्य भगवान को अति प्रिय हैं। अब आप कहोगे कर्म यानी कि कार्य करते करते भजन कैसे करें? भाई बहुत ही आसान बात है। सबसे पहली बात तो मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखते नहीं हो। नया साधक है कोई भी या फिर पुराना है तो सारी प्लेलिस्ट में वीडियो उनको देखो, आपको प्रश्न पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक के सफ़र के बारे में अच्छी तरह बताया है। अब आते हैं अपने वीडियो पे। अब कार्य करते करते आप भगवान को मन के द्वारा याद करते रहो। भगवान यही कहते हैं गृहस्थ जीवन को चलाओ। और क्या कृष्ण भगवान ने जब ये कहा है अर्जुन को कि भाई तू युद्ध कर और युद्ध करते करते मुझे याद कर, तुझे युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। और अर्जुन ने ऐसा ही किया, युद्ध इतना बड़ा कार्य है युद्ध करना, वो उसमें उसको विजय प्राप्त हो गई। और श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा तो अर्जुन ने ऐसा ही किया और उसको निश्चित ही विजय प्राप्त हुई। अर्जुन भी तो ग्रस्त थे, नरसिंह भक्त ग्रस्त थे, कबीर दास ग्रस्त थे, तुलसीदास ग्रस्त थे, रैदास ग्रस्त थे। तो रैदास जूते बनाते थे, कबीर दास कपड़े बुनते थे, कपड़ों की रंगाई करते थे, वो सारे कार्य करते थे, कार्य छोड़ के नहीं बैठे वो। गृहस्थ में रह के तो आपकी भक्ति दूसरे आश्रमों से कई गुना बढ़कर हो सकती है। आप सारे कार्य करते करते भगवान को याद करते रहो तो भगवान आपसे अति प्रसन्न होंगे। आपके पास खाली समय है तो खाली समय में बैठ के करें, नहीं तो किसी भी प्रकार से, चाहे श्वासों का जप करें, मानसिक करें, सारे कार्य करते करते
भगवान के नाम का जप करें, यह सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि कलयुग में नाम जप से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना तप करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम से ही कलयुग में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कलयुग केवल नामाधारा और सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। तो नाम जपो और भव से पार हो जाओ। और गृहस्थ आश्रम सबसे अति उत्तम आश्रम है। 10% किया हुआ नाम जप भी आपको कई गुना लाभ देगा। तो प्यारे भक्तों, गृहस्थ आश्रम में रहकर नाम जप करें, भक्ति करें और अपने जीवन का कल्याण करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।